फेवरेट प्रोडक्ट डज ऑल देखिए इस समय होम केयर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं हम लेडीज घर में बैठी हैं हमारे जेंट्स भी हमारे हसबेंड भी हमारे बच्चे भी घर में हैं और वो ना बहुत गौर से देख रहे हैं कि हम घर को कैसा रखते हैं और मैं मानती हूँ हमें सुपर वुमेन बनने की जरूरत नहीं है पर फिर भी हमारे सबके दिल में ये छुपा रहता है कि भैया जो लोग घर में वो घर में खुश रहें वो हमारी तारीफ करें वो भले ही हमें एक अच्छे हाउस मेकर भी माने मतलब तो हम चाहें या ना चाहें हमारे में वो कीड़ा कुलमुलाता रहता है कि भैया मेरा घर मेरे घर वाले सब मुझसे बहुत खुश रहे मैं तो सुपर वुमेन हूँ तो सबसे पहले आती है बात होम केयर की होम केयर की कैटेगरी मैं इसलिए ले रही हूँ कि अभी आप घर में हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट आपको होम डिलीवरी हो रहे हैं आप इन प्रोडक्ट्स को मंगाएंगे तो दो काम होगा एक तो आपका घर साफ सुथरा हो जाएगा दूसरा कम समय में घर साफ सुथरा हो जाएगा तो जो समय बचेगा उस समय से आप डेफिनेटली अपने परिवार के साथ उस समय को बिता पाएंगे तो कम समय में कम हाथ खराब किए हुए बिना हाथ खराब किए हुए बहुत खुशी खुशी जब आप इन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन को करेंगे आप इन प्रोडक्ट्स को जब यूज करेंगे तो आपका सारा घर नोटिस करेगा आइए वन वन बाय चलते हैं डज डज ऑल ऑल क्या है 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 ये 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 प्रोडक्ट इसका नाम ही कहता है, ये सब कुछ करता है। ये एक तरफ अगर आपकी मान लीजिए बच्चा खेलने लगा अब बच्चे बच्चों की छुट्टियां हैं इस समय बच्चा कहता है मैं शू पॉलिश करना चाहता हूं और आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, नहीं शू पॉलिश नहीं करना आपको मालूम है सारा घर गंदा कर देगा काम वाली भी नहीं आ रही है घर साफ करना मुश्किल हो जाएगा और बच्चा क्या सोचेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता मेरे को तो शू पॉलिश भी नहीं करने दी जाती आपका उसको शू पॉलिश करने की हाँ भर देना इस प्रोडक्ट के भरोसे आप जानते हैं उसमें कितना विश्वास जगाएगा उसको एक ना कम दीजिए उसे शू पॉलिश खुद करने दीजिए बच्चे इस समय स्केच पेन से खेल रहे हैं बच्चे इस समय हमारी जो स्टैम्प वाले गेम आते हैं उनसे खेल रहे हैं जगह जगह दीवारों पे बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं और हम ना 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 चिड़चिड़चिड़ करते उनके पीछे घूमने की बजाय अगर हम ये माने कि हमारे पास डजॉल है ये एक कोकोनट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है ये न तो आपके बच्चों की स्किन को खराब करता है न कपड़े को खराब करता है न जिस भी जगह पे आप इसको यूज करेंगे इसे खराब करता है और तो और लिपस्टिक का निशान अगर लग जाए तो लिपस्टिक का निशान भी ये ठीक करता है आइए इस प्रोडक्ट का एक छोटा सा डेमो करके देखेंगे हमने ये शू पॉलिश ली है ये हमने शू पॉलिश ली ये हमने लिपस्टिक ली और ये हमने लिया बॉल पेन ये हमने तीन ऐसे निशान लगाए जो अगर लग जाएं तो आसान नहीं होते हटाने अब ये हमने तीनों निशान लगा लिए अब ये हम दो बूंद सिर्फ दो बूंद हमने डजोल की ली और इसको इस पर रगड़ना शुरू किया कोकोनट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है तो आपकी बच्चे की आपकी किसी की भी स्किन को भी नुकसान नहीं करता है अब ये यहाँ से तो साफ हो गया आप जानते हैं शू पॉलिश साफ होनी आसान नहीं है पर ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है जो प्रॉमिस करता है वो डिलीवर करता है तो भैया हाथ पे से तो हट गया अब क्या हुआ अब ये यहां इस रुमाल पे लग गया क्या आप देख सकते हैं ना पेन का निशान रहा ना शू पॉलिश का और ना लिपस्टिक का लग जाते हैं ना लिपस्टिक के निशान इधर उधर अब कपड़े पे लग गए क्या करें शर्ट पे लग गए क्या करें पेन का निशान शर्ट पे लग गया ड्राई क्लीनिंग को दें ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स भी बंद हैं दोस्तों आप ये देखिए ये इस रुमाल पे लग गया अब ये रूमाल आपको आपके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था और आप इस रुमाल को खराब तो नहीं कर सकते कोई बात नहीं कुछ नहीं जितना डजॉल इसमें लगा हुआ है उसी डजॉल के साथ हमने इस पानी के बोल में इस मैं ज्यादा जोर से रगड़ भी नहीं रही हूं ये डेमो लेडीज जेंट्स सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं हमने बस ऐसे हल्का सा पानी में पानी प्लेन वाटर था पानी में कुछ डलावा भी नहीं था और हमने इसको निचोड़ा और आप देख सकते हैं डज ऑल है ना डज ऑल वो मैजिकल प्रोडक्ट है जो आपकी बहुत सारी चिंताएं बहुत सारी परेशानियां यहाँ तक कि आम का निशान यहाँ तक कि तरबूज का निशान बच्चे खाते हैं मेरा बच्चा छोटा था मैं उसको आम खाने के लिए टब में बैठा दिया करती थी बनियान पहना करके खाता था गंदा होता था कुछ भी पहने वो आराम से डजॉल से साफ हो जाता था होली खेलनी है होली के रंग मिटाने डजॉल से साफ हो जाता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो ना आपकी स्किन खराब करता है ना आपके कपड़े खराब करता है ना आपकी दीवारें खराब करता है और निशान मिटा देता है और भी बहुत कुछ इस

आप डालने के बाद 20 मिनट इधर उधर ठल्ले मारते हो कि भैया मुझे नहाना है पर जरा ये 20 मिनट टॉयलेट क्लीनर अपना काम तो करे टॉयलेट क्लीनर का कम टाइम यूज करना ये 90 सेकंड फार्मूला है मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू 90 सेकंड फार्मूला है आप इसे डालते हैं ये ग्रीन कलर का होता है आप इसे जैसे ये 90 सेकंड में डिसइनफेक्टेड करता है क्लीन करता है ये ब्लू कलर का हो जाता है और आपका काम 90 सेकंड में हो जाता है दूसरी तरफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है दोस्तों जो हम काम में लेते हैं जो एसिडिक बेस्ड प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं वो जब आप पॉट धोते हो तो अल्टीमेटली तो नीचे आपकी पाइप लाइनों में जाता है आपके पाइप्स को खराब करता है अब आजकल आप घर में डबल लोग घर में रह रहे हो आपका पूरा परिवार घर में रह रहा है तो टॉयलेट्स भी ज्यादा काम में आ रही होंगी आप हर दूसरे दिन टॉयलेट क्लीन कर रहे होगा और वो जो एसिड अंदर जा रहा होगा वो आपकी पाइपलाइन को खराब कर रहा होगा ये क्योंकि एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ये आपके अंदर 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 की पाइपलाइन को भी खराब नहीं करता है तो नीचे वाले फ्लैट वाले शिकायत नहीं करेंगे कि जी लीकेज आ रही है ऊपर से लीकेज आ रही है आपको वो पाइप बदलवाने का लंबा चौड़ा खर्चा नहीं करना पड़ेगा तो एक तरफ पैसा बचाइए दूसरी तरफ एनवायरमेंट बचाइए और तीसरी तरफ अपनी टाइल्स इस पर चाइल्ड लॉक है बच्चा खोल नहीं सकता इतना सेफ प्रोडक्ट फिर भी चाइल्ड लॉक के साथ लाया गया है आइए एक डेमो करके देखते हैं ये सिरामिक का एक पॉट मैंने लिया है आप देख सकते हैं कितना गंदा है मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इस पर ये बियॉन्ड ब्लू डाल दिया अब मैं इसको 90 सेकंड के लिए छोड़ दे रही हूँ मैंने पूरे उस पर नहीं लगाया है पर कहीं कहीं मैंने इसको लगा दिया है ये मैंने ब्रश ले लिया और ब्रश से इसको लगा दिया और इसको 90 सेकंड के लिए आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन कलर का है अभी अपना काम कर रहा है हमने इसको छोड़ दिया आइए चलते हैं जब तक बियॉन्ड यू अपना काम कर रहा है तब तक हम एक और प्रोडक्ट लेते हैं वो है हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर घर में ना बहुत सारे ऐसे कोने होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं हमारी स्कर्टिंग्स अब जब काम वाली आती थी ना तब तो हम काम वाली के पीछे पड़े रहते थे ये कोना गंदा है कोना गंदा पड़ा है कोना गंदा पड़ा है अब हमें पता है कि जब हम पोछा लगाते हैं तो वो पोछे के कोने से वो निकालना स्कटिंग से गंदगी निकालना आसान नहीं होता हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है ना आपकी बालकनी आपके पोर्च आपके जहाँ भी वो आपकी पार्किंग होती है जहाँ पे मोबाइल ऑयल गिर जाता है या किचन पे जहाँ पे छींटे पड़ रहे होते हैं वो छींटे पड़ने की जगह या सिलेंडर जो आपका सिलेंडर के नीचे जो गोल निशान बन जाता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ कुछ सख्त सफाई करनी है ना वहाँ हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर काम में आता है ओडर लेस है किसी तरीके की स्मेल नहीं है पर जादू बहुत अच्छे से करता है आइए ये मैंने फिर से एक पॉट लिया है हमारी टाइल्स ऐसी ही होती हैं हमारी टाइल्स ऐसी ही होती हैं मैंने, है। मैंने ये एक टाइल को डिपिक्ट करने के लिए किया मैंने लिया है और मैं फिर से इस पर थोड़ा सा पानी डालती हूँ और मैंने ये हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर इस इस्प्रे डाल के ये सब मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी अभी वीडियो में आप कितना क्लियरली क्या देख पाएंगे ये आपको भी वक्त बताएगा पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हर चीज अपने घर पे ट्राई करें ये देखिए कितना गंदा है आप इस स्पॉट को देख सकते हैं कि ये कितना गंदा है आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा इसको भी हम थोड़े कुछ सेकंड के लिए छोड़ते हैं और जब तक ये अपना काम करता है तब तक हम ये जो हमारा बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर था जो देखिए ब्लू कलर का होने लगा है ये ब्लू कलर का होने लगा है अब आप अगर अपने इसे ब्रश से क्लीन कर देंगे मैं ब्रश से क्लीन कर रही हूं मैंने ये अच्छे से लिया और चारों ओर से ये मेरा पॉट है ना तो इसके नीचे से पाइप खराब होने वाला है ना मेरी टाइल्स खराब होने वाली हैं और दोस्तों ये ब्रश जहां जहां भी जा पा रहा है हर जगह मैंने सफाई कर दी और आइए देखते हैं क्या होता है ये देखिए देख रहे हैं आप ये सफाई होनी शुरू हुई है अभी मेरा पॉट आपको बिल्कुल स्पिक एंड स्पान क्लीन मिलने वाला है मेरे साथ बने रहिए डेमो में आप आज ऐसे ऐसे जादू देखेंगे आज आप ऐसे ऐसे मोटिवेशनल बॉडी केयर के प्रोडक्ट देखेंगे जो आपका हौसला बुलंद कर देंगे कैन यू सी दिस अभी जिन कॉर्नर कौर्न, पे ब्रश नहीं गया था वहां पे टॉयलेट क्लीनर लगा हुआ है बाकी अगर आप देखेंगे हमारा पॉट बिल्कुल इस पे के निस्पान क्लीन हो गया ये सिरामिक का पॉट है और इसी सिरामिक का हमारा कमोड़ बना हुआ होता है और ये गमले का था ये पिछले महीने भर से इसमें मैंने पानी भर के रखा हुआ था और वो पानी का निशान चला गया वो जो खाद का निशान होता है खाद का निशान चला गया तो ना तो इस पे पॉटी रहेगी ना इस इसपे पानी का निशान रहेगा ना इस पे यूरिन का निशान रहेगा और ये इतना साफ आपका कमोड जस्ट 90 सेकंड में हो जाएगा आर यू रेडी क्या आप समझ सकते हैं 90 सेकेंड और बीस मिनट का अंतर कोई प्रोडक्ट जो आपके साढ़े अठारह मिनट बचाए कोई प्रोडक्ट जो आपकी टाइल्स बचाए कोई प्रोडक्ट जो आपका शान बनाए रखे आपके पाइपलाइन को ठीक रखे ऐसा है हमारा मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू आइए जब तक बियॉन्ड ब्लू हम आगे बढ़ते हैं हम निकालते हैं हमारा हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट ने क्या किया है ये मैंने एक और पानी का बोल लिया ये और एक ब्रश लिया है बल्कि ब्रश की जगह मैं ये ये मैंने मोदी का वंडर स्क्रब लिया है और वंडर स्क्रब से मैं मेरी टाइल्स को हैवी ड्यूटी से रगड़ दे रही हूँ जो कि कभी साफ ही नहीं हुई थी ये स, दो साल पहले मैंने इस घर में शिफ्ट हुई थी मैंने नागल हुआ था घर का तब से ये गमले ऐसे के ऐसे पड़े थे और हमने कभी इनकी सफाई करी ही नहीं थी आइए देखते हैं क्या होता है जब हम हैवी ड्यूटी से अपनी किसी टाइल को साफ करते हैं कैन यू सी दिस आर यू रेडी फॉर दिस कैन यू सी द डिफरेंस सिर्फ दो मिनट में अगर आपकी टाइल इतनी साफ हो सकती है तो अगर रोज़ एच डी एफ सी से इससे हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर हम इसको एच डी एफ सी कहते हैं हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर से अगर आपके घर में पोछा लगेगा अगर आपका पोर्ट्स क्लीन होगा आपकी बालकनी साफ़ होगी आपके जहाँ किचन के छींटे पड़ते हैं वो जगह अगर साफ़ होगी तो आपके घर में कभी कोई गंदगी दिखेगी आपकी बाहर लॉबी लिफ्ट के बाहर का एरिया क्या कभी गंदा दिखेगा नहीं दिखेगा फ्रेंड्स ऐसे ही हैं हमारे प्रोडक्ट आइए एक और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ये है हमारा स्पिक एंड मैंने कहा था ना घर साफ करने का जादू दिखाएंगे आप घर में हो घर सबसे अच्छा साफ होना जरूरी है हमारे बाथरूम कितने गंदे होते हैं टाइल्स नालियां जालियां नलके वो जो हमारे नल होते हैं टैप होते हैं स्टेनलेस स्टील महंगे से महंगे हमने लाके रखे होते हैं पर थोड़े समय बाद खारे पानी का निशान उन पे जमने लगता है नालियों पे गंदगी जमने लगती है दोस्तों बाथरूम क्लीन करने के लिए हमारे पास है स्पिक एंड स्पान पानी का निशान साबुन का निशान यूरिन का निशान कोई भी निशान जो बाथरूम में होते हैं ना हर रोज निशान को ये स्पिक एंड स्पान बाथरूम बिल्कुल स्पिक एंड स्पान क्लीन एंड क्लियर कर देता है आइए ये जादू कैसे करता है फिर से हम देखने जा रहे हैं मैंने ये फिर से मोदी केयर का वंडर स्क्रब उठाया और ये स्पिक एंड स्पान एक मेरे पास जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ इस पर लगाया और ये जाली आप देख सकते हो ये जाली कितनी गंदी है मैंने इस जाली को आप इसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लगा सकते हैं आप इसको एक मग्गे पानी में एक ढक्कन लेकर के रोजमर्रा में अपनी जालियां साफ कर सकते हैं कैन यू सी दिस आप ये देख सकते हैं ये ऐसी थी जैसी पीछे से है और ये ऐसी हो गई है जैसे ये आगे से है कैन यू सी द डिफरेंस हो गई बिल्कुल चमकदार एक दो तीन चार सब कुछ साफ इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स मोदी केयर के होम केयर प्रोडक्ट का जलवा ऐसा ही है जो भी देखता है जो भी अपने घर में करता है जो भी आजमाता है मोदी केयर का हमेशा के लिए दीवाना हो जाता है आइए एक और प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं हमारी गैस स्टोव बड़ी गंदी रहती है जिस पे खाना बनाते हैं मतलब हाइजीन की हम कितनी भी बात कर लें सच तो यही है हमारा स्टोव बहुत गंदा रहता है हमारे कुकर के ऊपर की वो जो सीटी होती है वो बहुत गंदी रहती है वो जहाँ वो रबड़ लगता है वो रबड़ बहुत गंदा रहता है ऐसी बहुत सारी जगह हमारा एग्जॉस्ट फैन बहुत गंदा रहता है ये हमारा एक प्रोडक्ट है माइटी इन वन एक तरफ क्लिनजर बहुत अच्छा है एक तरफ क्लिनजर बहुत अच्छा है तो दूसरी तरफ जर्म किल करता है 99.9 नाइन परसेंट जर्म किल करता है किसी भी और जर्म किलर से अच्छा ये जर्म किलर प्रोडक्ट है पहले हमारे पास एक मशीन थी अभी लॉकडाउन में मैं नहीं ला पाई हूँ उस मशीन से जब हम डेमो करते थे 100 परसेंट मतलब जो डेमो जो जर्म छः छः हजार काउंट के होते थे वो इसके साथ 20, 30 काउंट के जर्म किसी सरफेस पे रह जाते थे अभी मैं आपको इसका जर्म किलिंग फार्मूला तो मैं अभी डेमो तो नहीं दिखा सकती पर यह प्रोडक्ट कितनी आसानी से साफ करता है आइए मैं ये दिखाना चाहूँगी कैन यू सी दिस ये आप देख रहे हैं बहुत गंदी है ये बहुत गैस का चूल्हा बहुत गंदा है मैंने लिया और इसके ऊपर ये स्प्रे किया और फिर मैंने फिर से ये वंडर स्क्रब लिया और क्लीन करना मैं इसको छोड़ सकती थी पांच मिनट छोड़ सकते हैं आप गैस जब गर्म हो उस समय स्प्रे कर दीजिए और पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो मैं जितना घस रही हूँ मुझे उतना घसना भी नहीं पड़ेगा और पांच मिनट भी अगर आपने छोड़ा होगा पर आज मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं तो मैं ज्यादा देर छोड़ नहीं रही हूं मैं आपको सिर्फ इसका एक पार्ट साफ करके दिखा रही हूं आइए देखते हैं क्या हुआ क्या कुछ जादू हुआ इस प्रोडक्ट से मैंने आधा ही पोर्शन साफ किया है थोड़ा सा पोर्शन काला छोड़ दिया है क्या आप देख रहे हैं ये काला भाग था और ये हो गया हमारा साफ सुथरा माइटी इन वन से हमारा गैस का चूल्हा दोस्तों इसी तरीके से एग्जॉस्ट फैन साफ किए जा सकते हैं इसी तरीके से आप घर की हर वो चीज माइटी इन वन को आपके स्विच बोर्ड है आपके मोबाइल फोन है अभी हम हर जगह जा रहे हैं तो हम डरते हैं कि मोबाइल पे जर्म लगे होते हैं और लगे ही होते हैं खाली अभी की बात नहीं है मोबाइल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होती है इस पर जर्म रहते हैं आप इसको माइटी इन वन से क्लीन कर सकते हैं आप ये लीजिए कपड़ा उठाइए और टिशू उठाइए और साफ कर दीजिए आपके पर्स पर्स बाहर से भी साफ कर सकते हो लेदर पर्स तक इससे साफ किए जा सकते हैं बाहर से भी साफ कर सकते हो अंदर से भी साफ कर सकते हो हम सब जने जानते हैं कि हमारे जो पर्स होते हैं वो अंदर कितने गंदे होते हैं वो लोग थूक लगा लगा के थपड़ 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 थूक लगा के नोट गिनते हैं और वो नोट हमें पकड़ा देते हैं वो नोट हम अपने पर्स में डाल देते हैं उस पर्स में कितने लोगों का थूक पहुंचा होता है आपको अंदाजा है अगर तीन दिन में चार दिन में एक बार आप ये पर्स अपना अंदर से भी साफ करने लगे तो कुछ तो बचा सकेंगे ना दोस्तों प्रोडक्ट इतने सारे हैं मेरा एक्साइटमेंट उतना ही बढ़ता चला जा रहा है जितने प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ आइए एक और प्रोडक्ट पे बात करते हैं वो है स्पार्कल हमने दो ग्लास लिए इन दोनों ग्लासेस में हमने गर्म पानी डाला मैं अभी ऊपर करके दिखाऊंगी ये हमने ग्लास लिए इन दोनों ग्लासेज में हमने उबलता हुआ पानी डाला है स्पार्कल की खास बात यह है इसमें एंटी फॉक फॉर्मूला है जब आप जस्ट मिनट, जब आप स्पार्कल लगा देते हैं किसी भी ग्लास पर चाहे चश्मे पे लगा दीजिए चाहे आपके विंड स्क्रीन पर लगा दीजिए मैंने थोड़ा सा स्पार्कल लिया और इसको रुई से इस कांच पर लगा दिया अब जब आपकी गाड़ी चलती है गाड़ी में जब एसी ऑन होता है तो क्या होता है तब फॉग आ जाता है जब आप शीशे में शेव कर रहे होते हो एसी गर्म पानी से नहाए होते हो तो क्या होता है फॉग आ जाता है ये देखिए एंटी फॉग फॉर्मूला कैसा वर्क करता है मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमने दो इसमें गर्म पानी भरा है एक पे ग्लास पे फॉग आ गया है और दूसरा ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उस पे स्पार्कल लगाया गया है दोस्तों जान बहुत अच्छी कीमती चीज है जब आप गाड़ी में जाते हो ए ऑन होता है फॉग आ रहा होता है आपको बार बार जो है दिक्कत होती है सब, साफ करना पड़ता है बाहर निकल के साफ करना पड़ता है आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती एक्सीडेंट हो सकते हैं आप हेलमेट पहनते हो आप हेलमेट पहनते हो आपकी जो सांस होती है गरम गरम सांसें जो होती है वो हेलमेट पे फॉग कर देती हैं आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है अगर आप स्पार्कल लेंगे घर पर जाने से घर से जाने से पहले स्पार्कल लगा लेंगे एक आप डिस्पेंसर बॉटल में बना के रखिए आप डिस्पेंसर बॉटल में भर के रखिए छोटी डिस्पेंसर बॉटल में आप अपने जो ऑफिस बैग है उसमें रखिए आप हेलमेट पहन करके वापस आ रहे हैं चार घंटे तक इसका एंटी फॉग फॉर्मूला वर्क करता है और चार घंटे तक आपको ये फॉग से बचाता है आपके बाथरूम में भी फॉग नहीं आएगा अगर इससे साफ़ किया आपके हेलमेट पर भी नहीं आएगा आपकी जो विंड स्क्रीन होती है जो आपकी गाड़ी का कांच होता है उस पर भी फॉग नहीं आएगा अगर आप स्प्रे करके कपड़े से साफ़ कर देंगे चार घंटा दूसरा खास बात इस स्पार्कल प्रोडक्ट की ये है कि एंटी स्टेटिक फॉर्मूला है जब आप इसकी सफाई करते हैं तो जिस भी जगह को आपने साफ किया है वहां पे जल्दी डस्ट या कोई भी गंदगी अट्रैक्ट नहीं करता खींचता नहीं है गंदगी को तो एक बार सफाई कर देने के बाद बहुत समय तक साफ नहीं करना पड़ता अब जैसे अभी गर्मी आई है पंखे चलने शुरू हुए हैं मैं सजेस्ट करूंगी आप पहले हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर जो हमारा है उससे एक बार पंखे साफ कर लीजिए जो शुरू में पूरी सर्दी सर्दी गंध जम जाती है ना हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर से साफ कीजिए और फिर उसके ऊपर स्पार्कल से क्लीन करके सूखे कपड़े से पहुंच दीजिए तो आपको कम से कम महीना डेढ़ महीना अगर पहले आपके यहाँ गंद इतनी मचती है कि पंद्रह दिन में अगर साफ करना पड़ता था ना तो डेढ़ महीने साफ नहीं करना पड़ेगा इस एंटी स्टेटिक फॉर्मूले के कारण ऐसे हैं हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट अगर बात करें वायरस की बात करें डिस की आइए एक और डेमो आपको मैं करके दिखाना चाहूंगी हमारा स्टेरी क्लीन दोस्तों मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है लोगों का ये उसका कारण ये है डब्ल्यू एच ओ कहता है कि, कि किसी भी डिस इन्फेक्टेंट क्लीनर में अगर पांच परसेंट प्लस बीकेसी सी है बेंजिल क्लोनियम क्लोराइड है तो वो किसी भी तरीके के वायरस को मार सकता है देखिए कोरोना वायरस अभी हमें नहीं पता बाकी ये स्वाइन फ्लू तक के वायरस को मारने के लिए आपको पाँच परसेंट प्लस बीकेसी चाहिए होता है गुड न्यूज़ कहिए या बैड न्यूज कहिए हिंदुस्तान में कोई भी घरेलू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ऐसा नहीं है जो कि चार परसेंट से ज्यादा जिसमें बीकेसी हो डब्लू एच ओ की नॉर्म पांच परसेंट कहती है पर हमारे यहाँ का ग्राहक जागरूक नहीं है तो वो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देख करके चीज उठा लेता है मोदी केयर ने अपने स्टेरी क्लीन में बारह परसेंट बीके डाला है हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है बारह परसेंट बीके वाला फार्मूला है और ये किसी भी डिसइंफेक्टेंट क्लीनर से अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है आइए एक सिम्बॉलिक डेमो करते हैं हमने पानी लिया हमने दो ग्लास में पानी लिया और इस पानी में हमने कुछ भी मतलब एक जस्ट हमने पानी लिया है दो ग्लास में पानी ले लिया है और अब इस पानी में हम कुछ बैक्टीरिया डाल रहे हैं हम ये जानते हैं कि जो हम उजाला काम में लेते हैं नील काम में लेते हैं इसमें नीला रंग नहीं होता अगर नीला रंग होता तो ये सफेद कपड़ों को भी नीला कर देता ये नीला होता है बैक्टीरिया ये धूप में जाकर के किल हो जाता है तो आइए हमने ये पानी में ये हटा दो पीछे हमने ये पानी में उजाला डाला है और इसको मिला दिया अब हमने ये एक हमारे पास लाइजॉल मार्केट का प्रोडक्ट आता है ये हमने लाइजॉल इसमें डाला बहुत सारा बहुत सारा लाइजॉल मैंने डाला एक गिलास में और दूसरे गिलास में मैंने हमारा इस्टेरिक्लिन थोड़ा सा इस्टेरिक्लीन डाला अब हम इसको दोनों को चम्मच से हिलाते हैं आइए देखते हैं क्या होता है कैन यू सी दिस स्टेरी क्लीन ने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया और जो एक मार्केट का दूसरा फेमस प्रोडक्ट जो कहता है सारे जम्स मार देते हैं उसके जम्स वहीं के वही अब आपका ये क्लीन हो गया आपका फ्लोर क्लीन हो गया और भी पैर आ रहे हैं गंदगी आ रही है दिन भर के लिए आपका हम सजेस्ट करते हैं कोरोना वायरस के चलते आप कम से कम अपने घर को दो बार स्टेरी क्लीन से पहचा लगवाएं ना केवल फ्लोर को आप आपकी जो किचन स्लैब होती है आपका जो पानी रखने का काउंटर होता है आप अपने जहां खाने पीने का सामान रखते हैं उन सारे सर्फेसेस को भी आप स्टेरिक्लीन से साफ कर सकते हैं तो इट्स एन अमेजिंग मैजिकल प्रोडक्ट आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स तो इतने सारे हैं कि हम आपको बताते जाएंगे और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे आइए एक और नॉन असेंशियल प्रोडक्ट है पर मेरा फेवरेट है मैं लेना चाहूंगी ये है हमारा सिल्वर डिप चांदी की सफाई किसी भी तरीके की चांदी की सफाई करता है आइए देखिए ये हमारा चांदी का गिलास आप देख रहे हैं गंदा है काफी गंदा है मैंने एक बर्तन में सिल्वर डिप निकाला और उसमें मैंने मेरा ये चांदी का गिलास डाल दिया आप देख सकते हैं अभी तो मैंने सिर्फ डालना शुरू किया है और ये सफाई इसकी होने लगी है अगर इसको दो तीन मिनट के लिए भी मैं छोड़ दूँ ये जो सिल्वर डिप है ये री यूजेबल है ये सिल्वर डिप री यूजेबल फॉर्मूला है आप इस बर्तन से अपनी चांदी बड़ी छोटी चांदी हो तो इस बास्केट में डाल के बॉटल में यूज कर सकते हैं अगर बड़ी चांदी की कोई चीज है आप कॉटन में लेकर के सफाई कर सकते हैं या कोई बड़ी सी थाल हो आपके लक्ष्मी जी गणेश जी हो आप किसी बड़े बर्तन में निकाल करके सफाई कर सकते हैं और फिर दोस्तों वापस इस लिक्विड को आप आराम से इस बॉटल में भर सकते हैं और जब तक ये पूरा काला नहीं हो जाता तब तक आप इसको अगेन 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 एंड अगेन एंड अगेन कर सकते हैं तो आइए देखते हैं क्या हुआ हमारी चांदी को कैन यू सी दिस मैंने थोड़ा सा डुबोया था और जितनी चांदी डुबोई थी कुछ सेकेंड्स में क्या हो गया अब हमें क्या करना है इसको अच्छे से पहले साबुन के पानी से धोना है फिर हमको इसको क्लीन वाटर क्लीन पानी से धोना है फिर हमें इसको बहुत अच्छे से सुखा करके सूखे कपड़े से साफ करके इस पर अच्छे से टेलकम पाउडर छिड़क के देखिए चांदी का क्या है अगर चांदी ऑक्सीडाइज होती है जहां इस पर नमी रह जाएगी और हवा इस पर मिलेगी ये फिर काली होगी तो हमें करना क्या है इसको बहुत अच्छे से पहुँचना है इस पर टेलकम पाउडर डालना है और फिर सॉफ्ट कपड़े से खूब अच्छे से पहुँच करके इसको रख देना है तो आपकी चांदी साफ करने के लिए हमारे पास सिल्वर डिप है तो ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट होम केयर रेंज के आइए और भी बातें करते हैं हमारी लॉन्ड्री केयर रेंज क्या के लाती है दोस्तों दो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगी एक है हमारा प्री वॉश सारे हिंदुस्तान को वॉश आती है कपड़े धोना आता है या पोस्ट वॉश आती है कपड़े धोने के बाद चरक लगाना होता है या नील लगाना होता है हिंदुस्तान को सबसे पहले धोने से पहले कपड़े को ट्रीट करना होता है प्री वॉशिंग भी कोई प्रोसेस होता है वो मोदी के ने सिखाया अपने इस प्री वॉश प्रोडक्ट के थ्रू दोस्तों हमारे कॉलर गंदे होते हैं कफ गंदे होते हैं सारी शर्ट ठीक रहती है पर कॉलर और कफ घसने के कारण कॉलर और कफ हमारे फट जाते हैं हमारी साड़ी के नीचे के पैंचे पूरी साड़ी ठीक रहती है नीचे से खराब होती है हमारी सलवार नीचे से खराब होती है अगर आप प्री वॉश काम में लेंगे कपड़ा धोने से पहले इसको लगा दीजिए आपने प्री वॉश लगा दिया और छोड़ दिया दस मिनट और फिर मशीन में डाल दिया आपको कपड़ा रगड़ना नहीं पड़ेगा आपका कपड़े पे जो भी गंद जुड़ी है पोल्यूशन की या जिस भी तरीके की ग्रीस का निशान बहुत अच्छे से मिटाता है पैन का निशान बहुत अच्छे से मिटाता है चाय का दाग बहुत अच्छे से मिटाता है सिर्फ देखना यह है आपको दोस्तों की गीले निशान को हम इससे साफ नहीं करते हैं इस बात को समझिए कि हमें निशान गीले नहीं होने चाहिए हम सूखे निशान इससे साफ करते हैं यानी मान लीजिए चाय गिर गई कोई बात नहीं पहले हमें माँ बाप ने सिखाया था चाय गिर जाए भागो कपड़ा धोने अब भागने की जरूरत नहीं है प्री वॉश है आपके पास मोदी केयर का आपको शांति से उस दाग को सूख जाने देना है जब वो दाग सूख जाएगा उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपके डेमो के लिए मैंने इस पे पेन का निशान लगाया था ग्रीस का निशान लगाया था ये दो निशान मैंने इस पे लगाए थे जब निशान सूख गए उसके बाद मैंने इस पे प्री वॉश लगा करके इस तरीके से प्री वॉश लगा करके मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसको 10 मिनट 15 मिनट छोड़ना होता है हमारे पास डेमो में हम बहुत स्पीड से जाते हैं तो मैंने इस पर प्री वॉश लगा करके अच्छे से छोड़ दिया था ऐसे प्री वॉश हमें लगा लेना होता है और छोड़ने इस पर लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़िए और फिर पानी में आप इस कपड़े को अपने निशान को याद रखिए जब भी निशान लगता है जब भी निशान लगता है उस निशान को हम सूखने देते हैं फिर हम उसके ऊपर हमारा प्री वॉश लगाते हैं ग्रीस का निशान लग जाए तो ड्राई क्लीनिंग के सिवा और कोई तरीका नहीं रहता और ड्राई क्लीनर भी उसको साफ करेगा कि गारंटी नहीं होती है मैं ग्रीस के पेन के बुरे से बुरे निशान भी यहाँ तक कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे जो निशान लग जाता है मोदी केयर क्लेम नहीं करता है केयर कहता है कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे लगे हुए निशान हमने मिटाते पर हमने आजमाया है अगर निशान नया है एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे लग गया है आप एक दो बार अगर आप एक दो बार पहली बार किया थोड़ा हल्का हुआ दूसरी बार किया और हल्का हुआ दो तीन बार अगर आप मोदी केयर के प्री वॉश से कपड़े के ऊपर लगे हुए निशान भी साफ कर लेते हो तो कोई कमाल की आश्चर्य की बात नहीं होती आइए देखिए चलते हैं क्या किया इस प्री वॉश ने जादू can यू सी दिस कैन we कैप्चर इट ये जैसे ही धूप में सूखेगा एक बार और सफा होगा एक बार और साफ होगा सारे निशान चले जाएंगे तो प्री वॉश एंड कफ के लिए प्री वॉश ग्रीस के लिए पेन के निशान के लिए चाय के निशान के लिए बहुत सारे निशानों के लिए प्री वॉश काम में आता है दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है डेलिकेट। अब गर्मी चली गई है सर्दी आ रही है ड्राई क्लीनर सारे बंद हैं और ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है। ये काम हमेशा मैंने दो तीन असिस्टेंट्स के साथ किया है आज लॉकडाउन में मैं कोशिश कर रही हूं अकेले आपको करके दिखाने का आई थिंक ठीक ठाक जा रहा है आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ड्राई क्लीनिंग का टाइम आया है अब आपके पास ऊनी कपड़े आपको बक्सों में रखने हैं अलमारियों में रखने हैं गंदे तो रख नहीं सकते ड्राई क्लीनर अभी तो बंद ही है और होते भी हैं तो ड्राई क्लीनर करते क्या है ड्राई क्लीनर आपसे कपड़े इकट्ठे करते हैं हर एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे सिर्फ कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं फिर वो बड़ी बड़ी जहां ड्राई क्लीनिंग की मशीनें लगी होती हैं वो कपड़े वहां चले जाते हैं इस कमरे जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वॉशिंग मशीन जिसमें कहने को वाइट पेट्रोल भरना होता है जो कि बहुत महंगा होता है तो वाइट पेट्रोल नहीं भर के कैरोसिन भर दिया जाता है और उसमें जो भी पूरे शहर के कपड़े इकट्ठे होने के लिए आए होते हैं उन कपड़ों को डाल दिया जाता है और उस बड़ी सी मशीन में आपके कपड़े इतना बड़ा बड़ा राउंड लेते हैं तभी तो कहते हैं मैं अपना कोई कपड़ा ड्राइक्न नहीं कराती क्योंकि ड्राइक्न के बाद कपड़ा कमजोर हो जाता है नरम हो जाता है उस कपड़े की वो क्रिस्पनेस चली जाती है क्यों क्योंकि वो बड़ी सी मशीन में गोल 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 चक्कर लगा रहा होता है और आप सोच के देखो किसी को कोड़ होता है किसी को कोई दाग होता है किसी को कोई खुजली होती है उनके जो कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों के साथ उस कैरोसिन ऑयल में आपके कपड़े गोल गोल घूम रहे होते हैं ड्राई क्लीन घर पे कर सकते हैं मोदी केयर के वॉशमेट डेलीकेट के थ्रू एक साइंस को समझना है रेशम सिल्क के कपड़ों की हम ड्राइक्लिन कराते हैं रेशम तो कीड़ा जो होता है वो पेड़ों पर रहता है बारिश होती है क्या मर जाता है यानी कि रेशम को पानी से परेशानी नहीं है रेशम को परेशानी है कास्टिक सोडे से रेशम पे जब कास्टिक सोडा पड़ता है तो रेशम खराब हो जाता है ऊन पर भेड़ होती है भेड़ पानी से थोड़ी डरती है कास्टिक सोडा जब उनके ऊपर पड़ता है तो ऊन खराब हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि कास्टिक सोडा नहीं पड़े तो आपको यूज करना है मोदी केयर का वॉशमेट डेलिकेट आइए एक डेमोन्स्ट्रेशन है हम करके दिखा रहे हैं ये हमने दो ग्लासेस लिए हैं इन दो ग्लासेस में हमने हल्दी डाली है हल्दी साइंस ये कहता है अगर हल्दी को कास्टिक सोडे से मिलाओगे तो वो लाल हो जाएगा ये हमने दो ग्लासों में हल्दी डाली और एक में हमने ये डिटर्जेंट कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी का भी अगर पाउडर बेस्ड डिटर्जेंट है अच्छी से अच्छी कंपनी का भी पाउडर बेस्ड डिटर्जेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कास्टिक सोडा होगा हमने ये दो ग्लास लिए मैं आपको अभी ऊपर करके दिखाने वाली हूं हमने एक में ये कास्टिक सोडा बेस भले बोधी केयर का लोगे तो कम कास्टिक सोडा होगा किसी दूसरी कंपनी का लोगे तो ज्यादा कास्टिक सोडा होगा और इसमें हमने ये थोड़ा सा वॉश में डेलिकेट डाल दिया अब हम डाल रहे हैं दोनों में पानी देखिए क्या हुआ जैसे ही आपने पानी डाला जिसमें कास्टिक सोडा डाला था वो लाल हो गया और जिसमें मोदी केयर का डेलीकेट डला था वो ऐसा का ऐसा पीला का पीला रखा है तो एक टेस्ट है कि कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट जो कि आपके ऊनी कपड़ों को और आपके रेशम के कपड़ों को सिल्क के कपड़ों को खराब नहीं करेगा वो तब साबित होता है जब वो हल्दी को लाल नहीं करेगा तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन तो हमने ये किया जो ये साबित कर रहा है कि हमारे वॉशमेंट डेलीकेट में कास्टिक सोडा नहीं है पर क्या एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है ड्राई क्लीन वाले प्रोडक्ट के लिए जब हम कपड़े ड्राई क्लीन करते हैं एक रिस्क ये रहता है कि एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पे लग जाएगा या व्हाइट कलर की साड़ी है रेड कलर का उसपे बॉर्डर है रेड कलर के बॉर्डर का रंग व्हाइट कलर की ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पे लग जाएगा दोस्तों इसमें एक ऐसा एंटी रीडिपोजिटिंग एजेंट है जो आपके कपड़े के कलर को बाल्टी में आपको लाल कलर दिखेगा अगर ब्लाउज का रंग या बॉर्डर का रंग नीला है तो बाल्टी में दिखेगा पर वो दूसरे कपड़े पे चढ़ेगा नहीं क्योंकि इसमें एंटी रीडिपोजिटिंग एक एजेंट डला गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटे भर के लिए इसको बाल्टी में छोड़ दीजिए नहीं जब इससे आपको अपने कलर ब्लीड करने वाले मोदी के तो कहता है ब्लीड करने वाले कपड़े इसमें मत धो पर हमने धोखे देखे हैं क्योंकि ये एंटी रीडिपोजिटिंग एजेंट है आपको एक साथ दो तीन बाल्टियों में पानी भर के रखना होता है इसको डाला जैसे ही इसकी सफ़ाई हुई फिर दूसरी बाल्टी में डाला फिर तीसरी बाल्टी में डाला दोस्तों हमने बैंगलोर वाले याद कर रहे होंगे आज अगर मेरा सेशन देख रहे हैं तो हमने बैंगलोर में होम ड्राई क्लीनिंग सेशन बहुत किए हैं बहुत इन्जॉय किया है बहुत मोदी केयर के लिए तारीफ़ें बटोरी हैं और इस समय घर में अपने कपड़ों की ड्राई क्लीन करने के लिए मंगा लीजिए वॉशमेट डेलीकेट ऐसी है हमारी मोदी केयर की लॉन्ड्री केयर रेंज आइए आगे चलते हैं प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं वन बाय वन हम और कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे अब क्या करें अब दोस्तों एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, बारे में बात करने जा रही हूं जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत प्रोडक्ट हैं ये मैंने लिया इस एक बोल में पानी हम एक डेमो करने जा रहे हैं कि इस समय बार बार हाथ धोना कितना जरूरी है ये मैंने पानी लिया और इस पे मैंने ये कुछ थोड़ा सा जम्स डाले हैं। सिंबॉलिक डेमो है ये। ये मैंने कुछ जर्म्स डाले अब मैं अगर इसको मेरी उंगली से छूती हूं तो कुछ नहीं हो रहा जर्म्स को जर्म्स ऐसे के ऐसे हैं कैन यू सी दिस ये जम्स ऐसे के ऐसे हैं पर मैंने क्या किया मैंने मेरा सॉफ्ट वॉश लिया मोदी केयर का और अपनी उंगली पे सॉफ्ट वॉश लगाया और फिर उंगली से मैंने इन जम्स को छुआ तो देखिए क्या होता है तुरंत सारे के सारे जम्स भाग गए मेरी उंगली से दूर चले गए कैन यू सी द इफेक्ट आई डोंट नो कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है आप सबके घर में ये प्रोडक्ट होगा आप इसको यूज करके देखिएगा आप किसी भी ऐसे जर्म को जो फ्लोट कर रहा है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जो फ्लोट कर रहा है उसको पहले उंगली से छूके बताइए और फिर उस पर डालिए आप मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश तो सारे के सारे जर्म्स भाग जाएंगे क्या कहता है ये डेमो ये डेमो ये कहता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में साबुन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कोई भी साबुन हो अगर आपके पास मोदी केयर का साबुन है तो मोदी केयर के साबुन से धोइए और अगर मोदी केयर का साबुन आपके पास नहीं है तो आप किसी भी साबुन से धो लीजिए पर बार 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 अपने हाथ धोइए बट हाथ तो बार बार धोने हैं पर क्या जरूरी है कॉम्प्रोमाइज करना क्या जरूरी है कि हम हमारे हाथ खराब कर लें हार्श कर लें रफ कर लें घर में आप भी हो घर में आपके हस्बैंड भी हैं और आपके हस्बैंड आपके हाथ छूना पसंद भी नहीं करें क्यों क्योंकि बार बार हाथ हार्श हो रहे हैं हार्श सोप यूज करने से जब आप मोदी केयर के सोप हैंड वॉश से हाथ धोते हैं दोस्तों ये ट्रिपल इन फार्मूला है इस हैंड वॉश भी है बबल बाथ भी ले सकते हो शॉवर भी ले सकते हो इसमें खुशबू भी है इसमें एंटी फंकल भी है एंटी बैक्टीरियल भी है ये और सबसे बड़ी बात इसमें ऑलिव ऑयल मिला हुआ है जब इसमें ऑलिव ऑयल मिलाए यह आपके हाथ को सॉफ्ट रखता है तो भले कितनी भी बार साबुन से हाथ धोइए पर अगर मोदी केयर के सॉफ्ट वॉश से धोएंगे तो एक तरफ खुशबू आएगी वो डिटॉल जैसी वो जो हॉस्पिटल में खुशबू आती है वैसी खुशबू वैसी बदबू आपके हाथ में लगातार बनी रहे ये ज़रूरी नहीं है आप मोदी केयर के हैंड वॉश से काम में ले सकते हैं दूसरी बात आइए डेबो करते हैं कि इससे नहाया कैसे जाए दोस्तों ये बॉडी पफ है मोदी केयर का हमने मोदी केयर का बॉडी पफ लिया और नहाने के लिए सिर्फ ये दो हमने ड्रॉप हमारा सॉफ्ट वॉश लिया है और थोड़ा सा हमने पानी डाला और नहाना शुरू किया अब हम नहाना जब शुरू हुए हैं ये देखिए दो बूंद सॉफ्ट वॉश बढ़ता जा रहा है झाग बढ़ता जा रहा है आपकी एक तरफ स्क्रबिंग हो रही है एक्सफोलिएशन हो रहा है आपकी डेड स्किन निकल रही है और दूसरी तरफ ये झाग बस बनते ही चले जा रहे हैं इसकी दो तीन ड्रॉप आप यहाँ तक कि बाथ टब में डाल करके बबल बाथ भी इससे ले सकते हैं ये ऐसा मल्टीपर्पज़ ऑलिव ऑयल वाला बेस प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को अच्छा भी रखेगा और आपके नहाने के एक्सपीरियंस को खूबसूरत बनाएगा बहुत ज़रूरी आजकल बहुत टाइम है हमारे पास तो कम से कम अच्छे से नहाएं तो सही तो चलिए जल्दी से अपने ऑर्डर में एक मोदी केयर का बॉडी पफ और एक हैंड वॉश ऐड कर लीजिए आप ये देख रहे हैं मैं जैसे जैसे नहाती जा रही हूँ मैंने हाथ धोए मैंने पैर धोए जैसे जैसे हम हमारा नहाते चले जा रहे हैं हमारे झाग बढ़ते चले जा रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं कैन यू सी दिस कैन यू सी दिस परफेक्ट परफेक्टली ऑल राइट दोस्तों ऐसे ही हमारा एक और बहुत प्यारा प्रोडक्ट है होम केयर रेंज में वंडर ड्रॉप दोस्तों एक इस समय आप लोग घर में हैं एक बात समझिए कोरोना से आप डर रहे हैं वो वायरस आपको दिख नहीं रहा है पर आप उस पर डर रहे हैं क्यों डर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है वो नुकसानदायक है आपको पता है जब आप वो टिकिया से या वहा पाउडर किसी पाउडर से अगर आप अपने बर्तन साफ करते हैं तो वो बर्तन पे जो सफेद रंग की जो लाइनिंग रह जाती है वो लाइनिंग जहर की होती है हम कहते हैं भैया नहीं काम वालियों को कौन देगा काम वाली जो है वो काम में ले लेगी ले खत्म कर देगी नहीं काम वालियाँ हमसे ज्यादा समझदार हैं उनको हमें एक घर देखना होता है उनको दस घर देखना होता है अगर वंडर ड्रॉप ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है एक तरफ ये आपके बर्तनों पर वो जहर वाली सफ़ेद रंग की लाइनिंग नहीं बनाता दूसरी तरफ ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि अगर काम वाली ज़्यादा डाल देगी तो उसको पानी से धोने में बहुत टाइम लगेगा तो वो ज़्यादा भी नहीं डालेगी आप अभी घर पर हैं इसको एक्सपीरियंस करके दीजिए अपने बच्चों को बेस्ट प्रोडक्ट दीजिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को एनहांस करें आइए चलते हैं इसका एक डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं हमने ये पानी की एक बोतल ली पानी पिया मैंने आप देख रहे हैं इसमें किसी तरीके का कोई झाग नहीं है हमने ये एक टूथपिक ली और उस टूथपिक पे ये बस एक बूंद एक बूंद से भी कम हमने सब झाड़ दिया अब इस पर कुछ भी नहीं बचा है हमने सब कुछ झाड़ दिया है और वो टूथपिक हमने इस बॉटल में डाल दी कैन यू सी दिस अगर एक बूंद इतने झाग बना सकती है तो आपके 40 बर्तन माजने के लिए क्या एक ढक्कन काफी नहीं होगा इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट हमें हमारे दिमाग की कुछ चूल्हे हैं जो ठीक करनी है बहुत साल हो गए अब तो लिक्विड डिश वॉशिंग क्लीनर आए हुए अब बदलने का टाइम आ गया पहले राख से मांजते थे फिर पाउडर से मांजने लगे अब वक्त आ गया है कि हम इस प्रोडक्ट पे चले जाएं आर यू रेडी क्या आप तैयार हैं ऐसा ही है एक और प्रोडक्ट हमारे पास जो कि है वंडर स्क्रब दोस्तों हम ना वो स्कॉच ब्राइट या किसी ऐसे से या किसी ऐसे बर्तन ऐसी चीज से बर्तन माजते हैं जिसपे जंक लगती है और जिसपे हमारा गन सारा फंस जाता है ये स्टेनलेस स्टील का है कोई जंक नहीं लगती है आप इससे बर्तन माजिए इसको पानी के नीचे रख करके धो दीजिए टाट दीजिए जंक लगेगी नहीं जब आप सोच के देखो ना क्या आप कचरे के डब्बे में कचरा डाल करके उस कचरे को निकाल करके उससे अपने बर्तन माजोगे तो जब आप वो जंक लगे हुए या जिसमें खाने के कीटाणु फंसे हुए उस चीज से आप अपने बर्तन माजते हो तो लिटरली आप कचरे के डब्बे में से कचरा निकाल के उसी से तो बर्तन माज रहे हो इससे बर्तन माजिए इसको थोड़ा फैलाइए पानी के नीचे करिए इसको धोइए इसको सुखा दीजिए और फिर इसको काम में लीजिए इजेंट इट अमेजिंग दोस्तों प्रोडक्ट बहुत सारे हैं प्रोडक्ट एक से एक हैं हमारी पर्सनल केयर रेंज की अगर मैं बात करूं आई होप आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं अगर अपने पर्सनल केयर रेंज की मैं बात करूं तो आइए बात करते हैं एक टूथपेस्ट की हमारा टूथपेस्ट मोदी केयर का टूथपेस्ट दो चीजें हैं इसमें खास एक तो ये मुझे बताइए कभी कोई कुत्ता देखा आपने जिसके मुंह में दांत नहीं हो कभी कोई शेर देखा जिसके मुंह में दांत नहीं हो अगर आपके शेरों के मुंह में दांत होते हैं अगर आपके कुत्तों के मुंह में दांत होते हैं जो कि ब्रश भी नहीं करते जो कि हर चीज खाने के बाद कुल्ले भी नहीं करते उनके दांत क्यों नहीं टूटते भले कितने भी गंदे होते हैं पर टूटते क्यों नहीं है वो इसलिए क्योंकि वो ब्रश नहीं करते हैं हमें पता है भैया पांच महीने का बच्चा होता है थोड़ा सा मसूरा उसका फूलता है और हम लेकर के अपने टूथपेस्ट से उसके मसूरों की मालिश करना शुरू हो जाते हैं क्यों हमें गोरे दांत चाहिए पर दोस्तों गुड न्यूज़ है कि मोदी केयर का टूथपेस्ट आपके एनिमल को खराब नहीं करता है उसमें स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट डाला गया है दूसरा एक और ये सारे सिंबॉलिक डेमो हैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा रही हूं ये हमने कुछ चम्मचें ली हैं उसमें हमने कुछ अलग अलग कंपनीज के टूथपेस्ट लिए हैं टूथपेस्ट में केमिकल होना ये तीसरी चम्मच में मैंने मोदी केयर का टूथपेस्ट लिया है और ये बीच वाली उसमें मैंने कोई ये एश्योर करके कोई टूथपेस्ट है ये टूथपेस्ट लिया है और फिर मैंने इन पर डाला एच सी एल देखिए ये एक एसिड है मैं ये दिखाने के लिए ये एसिड डाल रही हूँ कि क्या केमिकल रिएक्शन होती है आइए देखते हैं ये हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था ये कोई एश्योर करके प्रोडक्ट था और ये हमारा मोदी केयर का टूथपेस्ट है ये तीन हमने टूथपेस्ट लिए थे और ये शुरू हुआ हमारा सिलसिला कैन यू सी दिस इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई झाग बन गए हैं इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो गई झाग बन गए हैं और ये जो टूथपेस्ट है हमारा ये एज इट इज़ है इसमें किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है किसी तरीके का इसमें झाग नहीं बनाए ये सब सिंबॉलिक डेमो है पर ये बताते हैं कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ तो बात है जो भी हम कह रहे हैं जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं अगर टूथपेस्ट की तो छोड़िए टूथ ब्रश की अगर मैं बात करूं जस्ट कैन यू सी दिस ये फ्लेक्सिबिलिटी जब आप इससे ब्रश करते हैं हम लोगों को आदत है पता नहीं जैसे सारी दुनिया का गुस्सा हम अपने दांतों पर निकाल रहे होते हैं दोस्तों इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो रिक्वायर्ड प्रेशर ही लेने देता है इसके ब्रिसल बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिसल है और इसकी फ्लैक्सीबिलिटी आपके दांतों को बना के रखती है दोस्तों एक और प्रोडक्ट डेमो मैं करने जा रही हूँ ये हमने दो ग्लास लिए दोनों ग्लासों में हमने पानी डाला नहाते हैं हम नहाते वक्त हम क्या करते हैं हमें पसीना साफ करना होता है हमें बदबू साफ करनी होती है और हमें गंदगी साफ करनी होती है ये हमने दोनों में थोड़ा सा बदबूदार बीटाडिन डाल दिया है जिसमें बदबू भी है और बैक्टीरिया भी है और हम इसमें एक तरफ हमने डाला एक गिलास में हमने डाला हमारा मोदी केयर का सॉफ्ट वॉश जो कि एक तरफ खुशबूदार है दूसरी तरफ मॉइस्चराइजिंग सोप है और तीसरी तरफ बहुत अच्छे से सफाई करता है ये डालने के बाद आइए देखते हैं क्या होता है हमने नहाना शुरू किया नहाना शुरू किया नहाना शुरू किया आप कितनी भी देर नहाते रहिए आपको बदबू भी नहीं जाएगी और जो ये बैक्टीरिया हमने डाला है ये बैक्टीरिया भी नहीं जाएगा और ये लिया हमने मोदी केयर का सोप और हमने नहाना शुरू किया तो देखते हैं क्या हो जाता है कैन यू सी दिस बैक्टीरिया भी जाने लगा एक तरफ बैक्टीरिया जा रहा है तो दूसरी तरफ साइड बाय साइड इसकी बदबू भी चली जाएगी और आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करके ये प्रोडक्ट अपना काम खत्म करेगा तो एक तरफ हमने यू कैन सी दिस एक तरफ हमने बदबू हटा दी इसमें बदबू है इसमें बैक्टीरिया भी नहीं है इसमें बैक्टीरिया अभी भी है दोस्तों मोदी करके ऐसे प्रोडक्ट है जो मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जा रहे जो टीवी पर नहीं दिखाए जा रहे मैं आपको एक हमारे वेलनेस प्रोडक्ट की बात बताना चाहूंगी कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इसका एक छोटा सा डेमो हम आपको करके दिखाना चाहेंगे मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम हैं बहुत सारे कैल्शियम अवेलेबल हैं क्या अंतर है मार्केट के कैल्शियम में और हमारे कैल्शियम में ये ही मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी हमने ये मोदी केयर का दोनों ग्लासेस में हमने थोड़ा सा सिरका लिया सिरका हमारे पेट का जो एसिड है उस एसिड को सांकेतिक रूप में बता रहा है हम सबके पेट में एसिड होता है कैल्शियम खाने में दिक्कत क्या आती है हम सबको पता है कि कैल्शियम खाना है हम सब जने जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक उम्र के बाद कैल्शियम के हड्डियों में जाना ही बंद कर देता है और ब्लड को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कैल्शियम हर हाल में चाहिए होता है हम सब जने चाहते हैं कि हम चलते हाथ पैर इस दुनिया से विदा हों पर होता क्या है हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम खाना शुरू करते हैं हमें एसिडिटी होने लगती है या वो अपना असर नहीं दिखाते हम प्रोडक्ट यूज़ में लेना बंद कर देते हैं और फिर क्या होता है ये मैं मार्केट का एक बहुत ही पॉपुलर मैंने प्रोडक्ट लिया है और ये मैंने इसमें डाला ये मैंने मोदी केयर का कैल्शियम लिया तोड़ के मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाहर चावल की कोटिंग होती है तो मैंने दोनों कैल्शियम तोड़ करके डाले और अब आप ये देखिए मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको इसमें कैल्शियम घुलना शुरू हुआ है हमारा कैल्शियम एक तरफ आठ घंटे लेता है आपकी बॉडी को लगातार आठ घंटे कैल्शियम मिले थोड़ा 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 रिलीज होना शुरू हुआ है और ये देखिए ये जो मार्केट का कैल्शियम है इसने झाग बनाने जैसे हमारी पेप्सी में स्प्राइट में झाग होते हैं बबल होते हैं ऐसे बबल एसिडिटी केमिकल रिएक्शन इसमें शुरू हो गई है ये आपके पेट में जाता है जब मार्केट का शेल कैल या कोई भी आप कैल्शियम बेस जो कि कहते हैं ना चूना से बना हुआ जो कैल्शियम होता है जब वो यूज करते हैं तो दोस्तों ये एसिडिटी होने लगती है ये कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है आपके पेट में एसिडिटी ये नहीं करता है दूसरी बात इसमें विटामिन डी थ्री है इसमें विटामिन के टू सेवन है जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम को जब आपका ऑस्टियो शुरू हो गया होता है जब हड्डियों में कैल्शियम नहीं भी जाना होता है तब भी ये प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डाले गए हैं कि आपके शरीर की हड्डियों में कैल्शियम को लेके जाता है कैन यू सी दिस क्या आपका कैमरा ये देख पा रहा है आई एम सो हैप्पी कि आप सब जने देख रहे हैं कि कोई और कैल्शियम काम में नहीं लेना है हमें हर हाल में मोदी केयर का कैल्शियम काम में लेना है दोस्तों बच्चों की अगर बात करें हम जानते हैं इस समय बच्चे घर पे हैं और हमें हर हाल में अपने बच्चों को हेल्दी रखना है स्ट्रांग एंड स्मार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर मुझसे कहा जाए मोदी के सारे प्रोडक्ट बंद करने हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट रखना है तो कौन सा प्रोडक्ट रखा जाए मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट अगर हमारी अगली पीढ़ी ताकतवर हो गई बुद्धिमान हो गई तन से मन से शक्तिशाली हो गई तो सब कुछ हम कर जाएंगे ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट करना ये है बच्चों को देना है टेस्टी भी है और खुद भी पीना है आप खुद पियेंगे चाय कॉफी और बच्चों को देंगे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो वो भी चाय कॉफी पियेंगे अगर आप देखिए दो साल प्लस के बच्चों को देना है चार साल तक की उम्र सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी आपका नाम रोशन करे तो बच्चे को दो साल का होते ही उसे स्ट्रांग एंड स्मार्ट देना शुरू करना है ना केवल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना है प्रोटीन की बच्चों में बहुत कमी है बच्चों बड़ों सब में प्रोटीन की कमी होती है मोदी केयर का किनुआ है आप मोदी केयर का किनुआ ये मैंने बनाया है इसमें मैंने ये प्रोटीन पाउडर डाला है ज़ीरो फैट जीरो शुगर जीरो कोलेस्ट्रॉल हमारा प्रोटीन पाउडर है डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है एक स्कूप में यानी दस ग्राम प्रोटीन में प्रोटीन की अगर मात्रा लेंगे तो उसमें साढ़े आठ ग्राम प्रोटीन जाएगा कोई फिलर नहीं होता है मैंने ये किनोवा में भी डाला है मैं सैंडविच में भी डालती हूँ पकौड़ों में भी डालती हूँ मैगी में भी डालती हूँ आइसक्रीम में भी डालती हूँ यहाँ तक कि मेरी मम्मियाँ दोनों मेरी माँ और सासू माँ उनके लिए जो आटा उसना जाता है वो दोनों टाइम प्रोटीन का आटा खाते हैं मैं दिन में एक बार प्रोटीन का आटा खाती हूँ बुजुर्ग दोनों टाइम प्रोटीन का आटा जो है काम लेते हैं जब हम आटा उसनते हैं तो हम इस प्रोटीन से उसनते हैं आइए इसका एक डेमो मैं आपको करके दिखाना चाहूंगी ये हमने पानी लिया आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो मार्केट के प्रोटीन होते हैं उनका घुलना कितना मुश्किल होता है वो आसानी से घुलते नहीं हैं हमने आपको दिखाना है कि एक तरफ हम ज़ीरो फैट है जीरो कोलेस्ट्रॉल है ज़ीरो शुगर है और दूसरी तरफ हम आसानी से घुल जाते हैं कैन यू सी दिस दूध में डालिए पेप्सी में डालिए किसी भी चीज़ में डालिए और इसको टेस्टलेस है इसका कोई टेक्सचर नहीं है इसका कोई टेस्ट नहीं है और ये किसी भी चीज़ में डाल करके आसानी से पिया और पिलाया जा सकता है दोस्तों प्रोडक्ट की कमी नहीं है हमारा डिटॉक्स है जो कि आपके बालों को ठीक करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है आपके लिवर को स्टमुलेट करता है आइए डी का एक छोटा सा डेमो मैं करना चाहूँगी ये हमने एक आलू लिया है इसमें फिर से हमने बैक्टीरियल इन्वायरमेंट ये भी एक सांकेतिक ये भी एक सिम्बोलिक डेमो है हम आपका पेट काट के नहीं दिखा सकते कि ये कैसे साफ कर सकते हैं आपके पेट को आइए हमने ये आलू लिया इसमें भी लाइव सेल्स हैं और हमने ये आलू को गंदा कर दिया अभी आपके पेट के बैक्टीरिया हैं ये टॉक्सिन हैं आपके शरीर के हमने थोड़ी सी कॉटन ली और जैसा कि हम अपने पानी से पानी पीते हैं गर्म पानी पीते हैं ऐसा पानी पीते हैं वैसा पानी पीते हैं हम बहुत कुछ करते हैं हमने थोड़ा सा पानी लिया और उससे इस टॉक्सिंस को हटाने की कोशिश करी हटेगा पर सारा नहीं हटेगा यही काम हमने मोदी केयर का डी टॉक्स हमने पीस के रखा है हमने मोदी केयर का डिटॉक्स लिया थोड़ा सा और इसके ऊपर बुरक दिया और फिर हमने जब इसकी सफाई करी तो देखिए दोस्तों क्या होता है मैं आपको अंतर दिखाने जा रही हूँ जब आप सिम्बोलिक डेमोई है पर ये आपसे कहता है बाल अच्छे रखने हैं स्किन अच्छी रखनी है लिवर स्टूमुलेटेड इस्टुम, रखना है अपनी नानी दादी जैसी स्किन चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है वेट कम करना है तो डिटॉक्स को काम में लीजिए वेट कम करना है प्रोटीन क्रेस को काम में लीजिए साथ में ग्रीन टी को पीजिए दोस्तों मैंने भी मिशन लिया है मेरी लॉकडाउन स्टोरी यही है कि लॉकडाउन खत्म होने तक मुझे 10 किलो वजन कम करना है एक तरफ प्रोटीन क्रैस पी रही हूँ दूसरी तरफ ग्रीन टी पी रही हूँ डिटॉक्स खा रही हूँ नोनी जूस पी रही हूँ और बस जो मैं हूँ पाँच किलो मैं ऑलरेडी कम कर चुकी हूँ पाँच किलो और इरादा है और बस ठाना है तो ठान ही लिया है समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रही हूँ दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पर मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है